वो राबिया आंटी डैड से क्या बात करने आई हैं? जैसे तुम्हें नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ। अरिश्मा जी, इधर आओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? एक बहुत बड़ी न्यूज है। क्या? राबिया आंटी ने हमदान भाई के लिए तुम्हारा हाथ मांगा और डैड ने हाँ कर दी। सच में? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या हुआ, कुछ बोलो। क्या बोलूं, तुमने एकदम से इतनी बड़ी खबर सुना दी है। ये कहो कि इतनी बड़ी खुशी की खबर सुना दी है। हाँ ये तो है। तो फिर शर्माओ मेरी बनो, दिल खोल कर शर्माओ। कैसे शर्माओ, मुझे तो शर्माना भी नहीं आता। अरे इसे ड्रामों में लड़कियां शर्माती हैं, वैसे ही शर्माओ। आजकल ड्रामों में भी कब लड़कियां शर्मा रही हैं। कह तो ठीक रही हो, फिर ऐसा करो घूंघट निकाल कर बैठ जाओ। हमदान, सारे रास्ते तुम चुप रहे और मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार ही करती रही कि तुम खुद से कोई बात करो। कैसी बात? यही कि जमाल ने क्या जवाब दिया, क्या कहा उसने? मुझे पता है उनका क्या जवाब होगा। क्या बताओ? रिश्ता फौरन से कबूल कर लिया होगा उन्होंने। हाँ ऐसा ही हुआ है, उसने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। आप तो खुश हो ना? तो बहुत। बस अब मुझे जल्दी तुम्हारी शादी करनी है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। और ये बात मैं जमाल से भी कह आई। तुमने बात की है रिश्मि से? जी कर लिया। क्या कह रही थी? उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। सही। आप क्या सोच रहे हैं डैड? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा तुम इस तरह करो, वो गिफ्ट्स अंदर ले जाओ। जी अच्छा।